स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाले। सबसे पहले बात दुर्ग की। बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद विद्यारतन भसीन का निधन हुआ। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वैशाली नगर के विधायक थे विद्यारतन भसीन। विधायक के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। विद्यारतन भसीन का आज अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी ने दुर्ग संभाग के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी में शोक की लहर हो गई है। बीजेपी विधायक विद्यारतन का निधन हुआ है। निश्चित रूप से बीजेपी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि विद्यारतन भसीन काफी सीनियर और दुर्ग जिले की इकलौते ऐसे बीजेपी के विधायक थे जो वैशाली नगर से निर्वाचित हुए थे। निसंदेह आज जब विद्यारतन भसीन जी का निधन हुआ है तो संपूर्ण पार्टी में शोक की लहर है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे नेता को खो दिया और एक अच्छे इंसान, सरल इंसान थे, काफी उनकी अच्छी छवि थी। और आज यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लीडर हैं वे इनके यहाँ पर जैसी इनको सूचना मिल रही है वे भिलाई पहुंच रहे हैं। वैशाली नगर के ये विधायक थे और वैशाली नगर में ही ये निवास करते थे। दो बार के ये विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में भी विधायक थे, इसके पूर्व में भी एक बार उसी स्थान से विधायक रहे और एक बार इन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा था और वहां से भी निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह से काफी ये दो बार के विधायक थे। अपनी स्वच्छ छवि, सरल छवि के कारण लोगों के बीच पहचाने जाते थे। कुछ दिन पहले से इनकी जो स्वास्थ्य था वो काफी खराब चल रहा था। रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में इनका इलाज चल रहा था और कल इनकी काफी तबीयत बिगड़ गई थी और ऐसी खबर भी आई कि उनका निधन हो गया। लेकिन फिर भी वे जो है वे जिंदगी और मौत के बीच में फिर से जिंदगी पाने में सफल हुए थे। और लेकिन रात में जिनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और रात के करीब 3 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो आज जो है काफी शुभ लहर है, जितने भी कार्यक्रम थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं। आज दोपहर संभवतः 2 बजे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। लगातार मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक का निधन हो चुका है और बीजेपी में शोक की लहर। अब जो है विद्यारतन भसीन का आज अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी ने दुर्ग संभाग के सारे कार्यक्रम भी हैं जो रद्द कर दिए हैं। और मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मिथिलेश, बड़े दिग्गज नेता हैं रहे हैं विद्यारतन, और कई सारी चर्चाएं भी उनके बारे में होती रही हैं। आखिर क्या माने शोक की लहर सिर्फ बीजेपी में नहीं, वहां के लोगों में भी रहेगी? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि वे एक बीजेपी की लीडर जरूर थे, बीजेपी में निस्संदेह उनके जब चले जाने से काफी शोक तो होगा, लेकिन जो जन जन के जो नेता होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। ये जन जन के नेता थे, जो किसी भी पार्टी में रहे उनके जाना निश्चित रूप से काफी हानि होता है। और यही वजह है कि विद्यारतन भसीन एक ऐसे नेता थे जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी बल्कि आम लोगों के दिलों में राज करते थे। जैसे मैंने कहा कि स्वच्छ सरल छवि, बिल्कुल उनकी जो उम्र का जो ऐसा है, बच्चों के साथ बच्चे हो जाना, बड़ों के साथ बड़े हो जाना, युवाओं के साथ युवा बन जाना, ये जो कला थी उनकी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो हर किसी के साथ में मैच हो जाते थे और हमेशा जो है लोगों के बीच में रहा करते थे। लेकिन कुछ दिनों से वो लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, विधायक विद्यारतन जी का निधन बड़ी शोक की बात है, आखिर कितना प्रभाव बीजेपी पर इससे पड़ेगा? निश्चित रूप से न केवल परिवार के लिए बल्कि पार्टी के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी हानि है। जिस प्रकार से विद्यारतन भसीन जी का जो व्यक्तित्व रहा है कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उसके साथ में लोगों के साथ में सहजता के साथ में मिलना जुलना, कभी लोगों को एहसास नहीं कराने दिया कि मैं विधायक हूँ कि महापौर हूँ करके, और इसी का परिणाम है कि वो महापौर भी बने हैं, 2 बार विधायक भी निर्वाचित होकर के आए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी पूरी उसकी संभावना थी जो हम छीड़ हो गई। ऐसे लोग भसीन जी का जाना, जी चर्चाओं में हमेशा रहते थे उनका, चाहे नेचर की बात करें चाहे उनके काम की बात करें। धर्मलाल कौशिक जी, आपके साथ भी कई सारे ऐसे पल उन्होंने बिताए होंगे जो आपको याद आएंगे।
धर्मलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। लगातार आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मिथिलेश भी इस पर जानकारी दे रहे थे। ये बड़ी खबर पर विद्यारतन भसीन का निधन हुआ है। बड़ी शोक की लहर जो है बीजेपी में छा गई है। वरिष्ठ जो हैं नेता बीजेपी के रह चुके हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, संविदा कर्मियों का आज हल्ला बोल होने जा रहा है। आज आक्रोश रैली निकालेंगे संविदा कर्मी, अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान करेंगे। 33 जिलों से हजारों की संख्या में शामिल होंगे कर्मचारी। तूता धरना स्थल से विशाल आक्रोश रैली निकालेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान भी करेंगे। 33 जिलों से हजारों की संख्या में शामिल होंगे आज कर्मचारी। तूता धरना स्थल से विशाल आक्रोश रैली निकालेंगे। संविदा कर्मियों का आज हल्ला बोल होने जा रहा है। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी इसमें शामिल होंगे। आज हल्ला बोल होगा संविदा कर्मियों का। बड़ी तादाद में कर्मचारी इसमें शामिल होने वाले हैं। आक्रोश रैली यह रहेगी संविदा कर्मियों की। अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। 33 जिलों से हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। बता दें तूता धरना स्थल से विशाल आक्रोश रैली निकालेंगे। और संविदा कर्मियों का आज हल्ला बोल होने जा रहा है। आखिर कैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सहयोगी हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, आज संविदा कर्मियों का हल्ला बोल होगा, आज आक्रोश रैली निकालेंगे, आखिर कितना प्रभाव इससे पड़ सकता है और क्या क्या इनकी मांगे हैं, बताइए विस्तार से। जी देखिये, 40 दिनों तक पहले रथ यात्रा निकाले हैं। 33 जिलों में लगभग 3000 किलोमीटर का भ्रमण किया और जहाँ जहाँ ये पहुँचे वहाँ के स्थानीय विधायकों को, जिले के कलेक्टरों को पहले ज्ञापन सौंपा और नियमितीकरण की मांग उनसे की। और आज जो इनके जो रथ यात्रा का उनका समापन तिथि है और आज यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर और वहाँ पर एक बैठक आयोजित करके अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के वहाँ आवाजें बुलंद करेंगे। अगर राज्य शासन की ओर से, सरकार की ओर से उन्हें आज आश्वासन नहीं मिलता है, त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, नियमितीकरण का अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो आज से पूरे प्रदेश भर के 45,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर चले जाएंगे। और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 68 विभागों में इनकी जो नियुक्ति है वो है और सभी विभागों में कामकाज है पूरी तरह से प्रभावित होगा। स्वास्थ्य महकमा से लेकर के शिक्षा विभाग तक इनकी पदस्थापना है, इनकी नियुक्तियां हैं। तो ऐसे में चूंकि अब स्कूल खुलने का भी वक्त है तो ऐसे में स्कूल के भी काम प्रभावित होंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चौपट होगी। अन्य विभागों में भी इनको ये पदस्थ हैं तो ऐसे में असर तो पड़ेगा और इसके व्यापक असर है वो जो आम लोग हैं उनको पड़ेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज से रायपुर में वीएचपी का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। देश भर से आएंगे वीएचपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। सम्मेलन में धर्मांतरण को लेकर परिचर्चा होगी। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की भी मांग करेंगे। विहिप की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकों में से ये एक बैठक है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। और वहीं कांग्रेस में अब तैयारियां जो हैं चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं। 26 जून से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान है। बूथ के कामकाज की समीक्षा होगी। कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। तो चुनाव की तैयारियां अब कांग्रेस में तेज होती हुई नजर आ रही हैं।
26 जून से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू होने जा रहा है। बूथ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और इसमें कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, खड़ी कार में भीषण आग लगी, कार जलकर खाक हुई है। मधुबन नगर की घटना आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र की घटना है। सख्ती से बड़ी खबर है, बेकाबू पिकअप पलटी है, पिकअप में सवार 14 यात्रियों की हालत गंभीर है। घायलों को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वाहन में 25 लोग सवार थे। नंदेली मोड़ के पास ये पिकअप पलटी है और हादसा हुआ है। धमतरी से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमतरी नगरी के बीच केरेगांव थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने का यह पूरा मामला है। नगर निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए, मार्केट कॉम्प्लेक्स, दुकान, हॉल, नवनिर्मित भवनों की जांच होगी। साडा और नगर निगम द्वारा निर्मित भवनों की भी जांच होगी। कमियां जो है दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कमियां अगर दूर नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। रायगढ़ से बड़ी खबर है, घरघोड़ा के एक कुएं में मिला है कंकाल। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। लगभग 3 महीने पुराना यह कंकाल बताया जा रहा है। हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। बरनाकुंडा गांव का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, घरघोड़ा के कुएं में कंकाल मिला है और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल इस पूरे ही मामले में की जा रही है कि आखिर यह हत्या है या आत्महत्या है, दोनों एंगल से जांच हो रही है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, भरमार बंदूक के साथ एक शिकारी गिरफ्तार हुआ है। शिकारी के पास से 24 फंदे जब्त किए गए हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम ने पकड़ा है। रिजर्व क्षेत्र के ग्राम पीपल खूंटा का यह पूरा मामला है। जंगल में छुपाकर भरमार बंदूक रखा हुआ था। बलरामपुर से बड़ी खबर है, रामपुर के जंगल में हाथियों के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई है। बकरी चराने जंगल गए थे बुजुर्ग पर हाथियों ने हमला कर दिया। रामपुर के जंगल में 30 से 40 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। स्थानीय विधायक बृहस्पत सिंह ग्रामीणों के साथ जंगल पहुंचे। जंगल में 3 किलोमीटर अंदर बुजुर्ग का शव मिला। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। सामने से गुजरा है वहां का समय 50 हो और इस साला पूरा जंगल भरा है। देखिए ये देखिए हाथियों का पूरा झुंड। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, पटकुरा जंगल में 12 हाथियों का दल ने डेरा डाल रखा है। कुटुआ बहार मोहल्ला में घर को नुकसान भी पहुंचाया। मौके पर वन अमला पहुंचा। वन विभाग ने कुटुआ बहार मोहल्ला
को खाली कराया। लखनपुर वन परिक्षेत्र के पटकूरा जंगल का यह मामला आपको बता रहे हैं। कांकेर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ऑफिस मैस परिसर में भालू घुसा है। मैस परिसर में दिन दहाड़े भालू पहुंचा और मैस परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भोजन पानी की तलाश में भालू पहुंच रहे हैं। पुलिस ऑफिस मैस परिसर में भालू पहुंचा। मैस परिसर में दिन दहाड़े भालू की यह तस्वीर कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर के मैस परिसर में भालू पहुंचा है। मैस परिसर में दिन दहाड़े भालू के पहुंचने की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी भालू के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है। लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भोजन पानी की तलाश में भालू ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं। रायगढ़ में बाल विवाह कराने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पिता ने प्रशासन को झांसा देकर अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी की शादी करा दी। दरअसल नाबालिग की शादी से पूर्व महिला और बाल कल्याण समिति को भी सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम जांच के लिए गांव पहुंची, लेकिन परिजनों ने इस खबर को अफवाह बता दिया। लड़की के पिता ने यहां तक कह दिया कि वे बाल विवाह के खिलाफ हैं और लोगों को भी ऐसा करने से रोकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना है।